नमस्ते, माय नेम इज चारु। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनका मूड कैसा है, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, फीलिंग्स क्या है और उनका एक्शन क्या होगा। रिलैक्स रहें, इंटेंशन सही रखें। यहाँ आपके अपने पर्सन के बारे में सोचना है, इंटेंशन बिल्कुल सही रखना है। तो चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की। आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर एंजल्स प्लीज गाइड करें। ऑल आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच आर्कएंजल राफेल, थैंक यू सो मच। आर्कएंजल माइकल की बात करूं तो आर्कएंजल माइकल जो है हमें हेल्प करते हैं, सारे एंजल्स के वो सेनापति हैं, जो वो कहते हैं हर एंजल्स काम करते हैं। देखिए यहाँ पे आर्कएंजल माइकल जो हैं वो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। हम उनसे हेल्प मांगते हैं तो वो हमें हेल्प भी देते हैं। चाहे आप ट्रैफिक में हो, ट्रैवल में हो, कहीं उलझे हुए, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा, आप उनसे प्रेयर प्रार्थना कर सकते हो। आर्कएंजल माइकल हीलिंग करते हैं, हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं और आपसे वो प्यार भी करते हैं। लेकिन उन्हें आपसे बात करने की ज़रूरत है, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। एंजल्स आपको साइन देना स्टार्ट कर देंगे। हीलिंग के लिए आर्कएंजल माइकल का नंबर है 613, ठीक है? तो 613 आर्कएंजल माइकल का है तो आप उनसे प्रोटेक्शन ले सकते हो और अपने हथेली पर भी 613 लिख सकते हो, ठीक है? इससे आपका सपोर्ट सिस्टम भी बना रहेगा, आपका ऑरा भी स्ट्रांग हो, लेकिन अपना इंटेंशन सही रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल में हो, हेल्थ इशू है, तो आर्कएंजल राफेल से आप हेल्प लीजिए। आर्कएंजल राफेल हीलिंग म्यूजिक भी आता है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, ठीक है? तो आर्कएंजल राफेल जो है हमें हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, हार्ट चक्रा ओपन होता है और हमें हील होकर मुझे और कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो आर्कएंजल राफेल से अपनी हीलिंग करवा सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं आप, यूट्यूब पर गूगल पर आप सर्च कर लो, ठीक है? हीलिंग होती है, हीलिंग म्यूजिक आती है, उनको आप सर्च कर लीजिए और उन्हें थोड़ा सा धीमी आवाज़ में अपने ईयरफोन हेडफोन लगाकर अपने आप को हील कीजिए। आर्कएंजल माइकल से हमेशा सपोर्ट लीजिए। आप गाड़ी भी चला रहे हो, घर से भी निकल रहे हो तो भी आप आर्कएंजल माइकल से प्रोटेक्शन जरूर लीजिए, उनसे हेल्प लीजिए और उसके बाद ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। इस वक्त बहुत सारे व्यूवर्स आपको एंजल से सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, ठीक है? आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल राफेल से बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप ऑल आर्कएंजल्स को भी बुला सकते हो, बात कर सकते हो। एंजल्स आपको सपने में आएंगे, आपको लिखकर गाइड करेंगे, गाने के थ्रू किसी शब्द से वो लिखा हुआ महसूस होगा आपको, ठीक है? जैसे कि कहीं कुछ ना कुछ आपको ऐसी एनर्जी दिखाई देगी जो आप पिक करोगे। सपने के थ्रू भी आपको जगा सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, बस आपको डरना नहीं है। लेकिन एंजल सपना कब देते हैं याद रखिएगा, 12 से 3 के बीच में कभी नहीं। यहाँ जैसे 3 बजता है उसके बाद एंजल्स आपको गाइड करते हैं, उससे पहले निगेटिव एनर्जियाँ होती हैं। तो याद रखिएगा 12 से 3 के बीच में कोई भी एंजल्स आवाज़ नहीं देते हैं, ठीक है? उस वक्त कोई आवाज़ दे तो आपको उठना नहीं है, ठीक है? उठकर बैठ जाना है, डरावने सपने आते हैं तो। लेकिन 3 बजे के बाद जो भी सपना आता है वो दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति एंजल्स का होता है, ठीक है? तो इतना याद रखिएगा, 3 रात के 12 बजे और 3 के बीच, 12 और 3 के बीच में, रात 12 3 के बीच में आपको हमेशा केयरफुल रहना है। कोई भी सपना आता है उस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि 3 बजे के बाद ही आपके साथ एंजल्स, यूनिवर्स और जो भी गॉड हैं आपसे हेल्प करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। उससे पहले आपको अलर्ट रहना है और आर्कएंजल माइकल से भी आपको सपोर्ट लेना है, ठीक है? तो एंजल्स आपको मैसेज देंगे तो आप महसूस करने लगोगे, ठीक है? और आर्कएंजल राफेल से अपनी हीलिंग भी करवाइए, म्यूजिक सुनिए, अपने आप को हील कीजिए, ठीक है? ग्रैटिट्यूड शो जरूर कीजिएगा, एंजल्स सपोर्ट करेंगे आपको। ग्रैटिट्यूड के एंजल्स, आपने मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच ऑल आर्कएंजल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल गैब्रियल, बहुत जो भी ऑल आर्कएंजल्स हैं आप उनसे भी बात कर सकते हो। अपनी हीलिंग के लिए
आर्कएंजल राफेल से हेल्प लीजिए, अपनी हेल्थ इशू को रिमूव कीजिए। खुद से आप सब कुछ कर सकते हो, भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भटकोगे तो भटकते रह जाओगे। आपके अंदर पावर है, अपनी हीलिंग आप खुद कर सकते हो। लेकिन आप दिन भर सिर्फ एंजाइटी में रहोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। नेचर से कनेक्ट होइए, अपने आप हील करने के लिए अपने अंदर पावर होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, सिर्फ मेडिटेशन करने से नहीं, योगा है, एक्सरसाइज है, योगा डे एक्सरसाइज कीजिए, कपाल भारती कीजिए, ये आप मेडिटेशन कीजिए, ये इससे बड़ी हीलिंग कुछ नहीं होती है स्ट्रेस दूर करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही है, कोई हीलिंग नहीं कर सकता। लेकिन आपकी इच्छा है, मैं कुछ गाइड नहीं करना चाहूँगी क्योंकि सबकी थॉट्स अलग अलग हैं भाई, इसलिए मैं प्रॉपर चैनल पर नहीं आप लोग को बोल पाती हूँ कि सबके थॉट्स अलग होते हैं, आप लोग क्या सोच लोगे। लेकिन मैं इतना गाइड कर रही हूँ, एंजल से सपोर्ट लीजिए, अपने आप को हील कीजिए। लेकिन आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। आज दोपहर की एनर्जी सक्सेस, ऑर्डिनरीनेस। द बटन मेच्योरिटी, बहुत कार्ड निकल गए हैं, इसको मैं नहीं लूंगी। चार चार कार्ड निकल चुके हैं, फिर सफल करती हूँ। आपके पास सारे समाधान है मेरे चैनल पे। तो भाई मैं आज 4 साल से आप लोगों को गाइड किया, लाखों को मैंने चेंज किया, बहुत गर्व के साथ कहती हूँ। आज बहुत सारे व्यूवर्स ने चैनल भी खोल कर रखा, लेकिन किसी ने बोला नहीं। लेकिन इतना याद रखिए, 4 सालों में बहुत लोगों को मैंने, जब उस वक्त इतना बहुत इंप्रूव नहीं हुआ था टैरो रीडिंग, ठीक है, चाहे वो कैंडल वैक्स, मैंने सब कुछ शुरू किया, लेकिन प्रॉपर मैंने गाइड किया, ठीक है। लेकिन कहा ना, इंसान एक जैसा नहीं होता है, जहां समय बदला आपको भूल जाएगा। इसलिए आप अपना प्रोसेस खुद कर सकते हो, अपनी हीलिंग खुद कर सकते हो, ठीक है। इसलिए आप लोग भटकिए नहीं, स्ट्रेस मन में निगेटिविटी ना लाएं, डेविल की एनर्जी ना लाएं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। देखिए, कंप्लीशन के लिए अपनी इनर वॉइस की भी सुननी चाहिए, ठीक है। लेकिन हो सकता है आपके थॉट्स काम नहीं कर रहे हैं कंप्लीशन, तो कहीं ना कहीं आपको खुद के अंदर भी देखने चाहिए, अपने प्रेशर बर्डन को, अपनी हीलिंग के लिए। आपके पास सब कुछ है हीलिंग करने के लिए, लेकिन आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। और मैं प्रॉपर गाइडेंस दे रही हूँ, अगर लगातार मेरी वीडियो को नहीं देख रहे हो, गाइडेंस फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपकी मर्जी है। होता है कभी कभी ब्लॉकेज रहेगा ना, तो आप कंट्रोल कर लोगे, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना है, तो क्या हुआ, आपको हटाया जा रहा है। गाइडेंस को फॉलो ना करें। सब लोग अपने धुन में रहते हैं भाई, मुझे सिर्फ एनर्जी चेक करना, गाइड कौन करता है, मेरा ये कर्म नहीं है, मेरा कर्म कृष्णा है, जानते हैं। ये जीवन जितनी बार मिले, टू ऑफ वॉर्म्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। थैंक यू सो मच ऑल आर्कएंजल, अर्थ मदर, फेरी मदर, थैंक यू। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। ये ईगो से भी डील कर रहे हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, इनका दिल टूटा हुआ, हारा हुआ, बट ये बंदा थोड़ा ईगो से डील कर रहा है। लेकिन आप एक दूसरे के दिल और दिमाग में हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के दिल और दिमाग में हो। देखिए, जो एंजल नंबर आपको यहाँ गाइड करते हैं, उस एंजल नंबर, देखिए टैरो क्या कहता है, टैरो सिर्फ ये नहीं करता है, 10 ऑफ कप्स, ये 10 ऑफ कप्स में बहुत सारी वाइब्रेशन है, बच्चे हैं, सेलिब्रेशन है, हैप्पी फैमिली है, फ्यूचर प्लानिंग है। सिर्फ कार्ड का वो सिर्फ ये नहीं कहेंगे 10 ऑफ कप्स है, इस कार्ड में कौन सी एनर्जी गाइड कर रही है, 10 नंबर का कार्ड है, ठीक है, तो 10 नंबर कार्ड है। ये सब देखते हुए मैं आप लोग को एनर्जी चेक करती हूँ। ये टैरो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने 10 ऑफ कप्स देख लिया, इसमें क्या एनर्जी गाइड कर रही है आपको,
कौन सा एंजल नंबर है इसमें, आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या कुछ चलने वाला, क्या कुछ आने वाला है। सिर्फ टेन ऑफ कप्स ये नहीं कहता कि तुम मेरी हैप्पी फैमिली हो, बहुत सारी एनर्जीज इसमें है, ठीक है। तो इधर उधर भटकिए नहीं, आप प्रॉपर गाइडेंस पर फोकस कीजिए, अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, अपने ग्रोथ अपने सक्सेस पर फोकस कीजिए, ठीक है। आप लोग गौर से समझ सकते हो कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ उसमें प्रॉपर गाइडेंस मोटिवेट करती हूँ, क्यों करती हूँ, क्यों करती हूँ। मैं नहीं भी कर सकती, सिर्फ एनर्जी देकर निकल जाऊंगी, लेकिन मैं क्यों गाइड करती हूँ, आपके जीवन संवारने के लिए, दुख परेशानी दूर हटे और लाइफ में आप ग्रो कीजिए, आप सही डिसीजन लीजिए, अपनी जिंदगी को समझिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखिए एक टीचर की तरह इसलिए गाइड करती हूँ ना, टीचर लोग को अपना, चाहे वो बड़े हो छोटे हो, स्टूडेंट जो भी विद्यार्थी हो, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है उसे बुरा लगता ही है। और मुझे भी ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि मेरे गाइडेंस फॉलो करने के बाद भी आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो, समझा पा रहे हो, तो इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे साइन बता देती हूँ, कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो एरिस लियो सैजिटेरियस लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो। देखिए सक्सेस की भी एनर्जी है, इनर वॉइस ऑर्डिनरी बटन, देखिए ये सब कंट्रोल वाली जो वाइब्रेशन है, ये बंदा इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी ये सक्सेस सिर्फ आपके रिश्ते की सक्सेस नहीं है, ये बंदा या बंदी जो भी है ये खुद के लाइफ के सक्सेस पर भी फोकस करना चाहता है, जहां अपने गोल्स पर, अपने करियर पर, अपने बिजनेस, अपने जॉब पर, ठीक है। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि ये बंदा या बंदी जो भी है, उनको पता है कि आपके बिना जीवन आगे चलनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बंदा या बंदी है फिर भी एटीट्यूड से बात करता है या करती है, ईगो से डील करता है, बट वो आपसे प्यार करता है ऐसा वो फील कर रहा है या कर रही है। देखिए ये भटक रहा है, इनका मन जो है भटक रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, समझाने की कोशिश लाख करें कंट्रोल नहीं हो रहा, कहीं ये ट्रैवल भी कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वर्क प्लेस पे भी है, वर्क प्लेस पे आपके पार्टनर को किसी से धोखा मिला, या फिर आप वर्क प्लेस पे हो तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी तरह आपसे रिलेटेड उनको पेन मिला, अगर आप दोनों वर्क प्लेस पे हो, अगर आप लोग में कॉन्टेक्ट नहीं हो रही है और इन्होंने एक्शन लिया और आपने भाव नहीं दिया, शायद इन्हें अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, इनको लग रहा है कि अब आप उनको बहुत ज्यादा दर्द और पेन दे रहे हो, ये आपकी सिचुएशन को नहीं समझ रहे कि आप उनको, आपको ये दर्द दे रहे हैं या नहीं, लेकिन आप उनको दर्द दे रहे हो, ये चीज कंट्रोल नहीं हो रहा, मन में निगेटिविटी बहुत है। देखिये यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के अंदर मतलब एक दूसरे को दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, कुछ लोग से बातचीत हुई है, मैंने कमेंट में भी भरा है और कुछ लोग से बात भी हुई है, तो यहाँ पे कुछ लोगों को मैं देख पा रही हूँ कि बातचीत तो हुई है, क्लियरिटी नहीं, हाँ उन्होंने वादा कर दिया, ठीक है। ये बंदा या बंदी जो भी है, कुछ लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे फैमिली इश्यू चल रहा है, देखिए यहाँ पे फैमिली है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे फैमिली है, उनकी इम्पोर्टेंस है, चाहे कुछ भी हो, टॉक्सिक हो या फिर उन लोगों में फाइटिंग हो रही हो या उनको अनदेखा कर रहा हो, आपके पार्टनर नहीं निकल पा रहे, ठीक है। ये बंदा के मन में आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, लेकिन फ्यूचर जो प्लानिंग होती है वो कर भी ये इस वक्त नहीं कर पा रहा है। टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स आप देख रहे हो, इमोशंस तो दिख रहे हैं, बस कुछ ऐसी एनर्जियां हैं जो उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, काफी ये प्रेशर महसूस कर रहे हैं, बर्डन महसूस कर, लेकिन स्ट्रांगली यहाँ पे फीलिंग्स है, लेकिन अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं। कुछ वर्ष आपके पार्टनर बर्डन प्रेशर सक्सेस चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आप जो जितना आपको वो याद करें, जितनी फीलिंग्स है, इस फीलिंग से वो दूर रहना चाहते हैं। कुछ एटीट्यूड, गुस्सा, ईगो, कुछ सेल्फिश नेचर, लेकिन प्रेशर है, बर्डन है, स्टक वाली एनर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे काफी उम्मीद कर ये बैठे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा कि आप यहाँ सेल्फिश हो चुके हो, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा आपके पार्टनर के लाइफ में, क्योंकि लाख कोशिश किया जा रहा, फाइव नंबर का कार्ड है, चेंज चेंज
लाने की कोशिश में फाइटिंग हो जा रहा है। 8 नंबर स्ट्रगल, काफी स्ट्रगल है। तो 8 नंबर देखिए, सब कुछ 8 नंबर अवेयरनेस भी है, 6 नंबर बैलेंस भी है, लेकिन कहीं ना कहीं 8 नंबर को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो देखिए, स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलता है, ये भी एक बात है। काफी स्ट्रगल होती है लेकिन सक्सेस मिलता है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस ही एनर्जी नहीं रहे तो कैसे सक्सेस मिलेगा। क्योंकि कुछ व्यूअर्स बार बार आप चेंज लाने की कोशिश करते हो, कुछ वो चेंज लाने की कोशिश करते हैं, और आप दोनों के बीच में बात पीछे या थर्ड पार्टी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, या आप दोनों से रिलेटेड फाइटिंग हो जाती है। ये जब भी अगर डिसीजन लेना चाहते हैं, आपसे फाइटिंग होनी है, या ब्लॉकेज आना, या थर्ड पार्टी इशू को लेकर फाइटिंग झगड़े होने हैं। सुधारने की कोशिश में ये बंदा या बंदी कहीं ना कहीं ईगो से भी डील कर रहा है, बट ये टूट भी रहा है। लेकिन द एम्परर की एनर्जी ये कह रहा है कि वो आपका साथ भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे इनका एटीट्यूड हो चाहे ईगो, क्योंकि भाई ये बंदा स्ट्रांगली कनेक्शन को फील कर रहा है। ये भी बंदा पास्ट से ही है, ठीक है, एज गैप हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये ईगोइस्टिक है। लेकिन आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, टैलेंटेड हो, बट आपका एटीट्यूड समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या चाह रहे हो, ठीक है। कभी आप में प्यार देखते हैं और कभी आप उनको इग्नोर कर रहे हो, यानी कि आप उनके इमोशंस को फील नहीं कर रहे हो। और ये बंदा या बंदी जो भी है स्टक एनर्जी में है, ये इनके दिल और दिमाग में नोटिस किया जा रहा है, जहां ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हर हाल में देखिए, यहाँ 8 नंबर है, बर्डन में भी 6 नंबर है, सक्सेस में भी 6 नंबर है, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। यहाँ पे सिर्फ एनर्जी उतार चढ़ाव इसलिए हो रही है कि इस वक्त जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो आप या आपके पर्सन, लेकिन चेंज जो चाह रहा है वो चेंज आते आते कहीं ना कहीं कुछ इनबैलेंस हो जा रहा है। ट्रस्ट इशू, धोखेधड़ी, एटीट्यूड, ईगो, आप अपनी जगह एटीट्यूड में हो, वो अपनी जगह ईगो में है, लेकिन प्यार इमोशंस दोनों के अंदर है। लेकिन क्यों? क्योंकि हर हाल में रिश्ते में बैलेंस दोनों तरफ होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ होना चाहिए। जहां यहां नहीं दिख रहा, दोनों तरफ इक्वल लव नहीं दिख रहा, मतलब कुछ एटीट्यूड, थोड़ा ईगो, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे आपके पार्टनर में दिख रहा है, उनके मन के मुताबिक आप काम नहीं कर रहे हो। तो ये बंदा कहीं ना कहीं कभी कभी अपने इमोशंस को हाइड कर रहा है या कर रही हैं, और आपसे जो फीलिंग्स जुड़ी हुई है ये दूर रहना चाहते हैं, खुद पर फोकस करना चाहते हैं, अपने काम, अपने करियर, अपने लीडरशिप की क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। इस वक्त इनका मन बेचैन है, घबराहट है, और लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं आपसे मिलना चाहते, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना तो चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या मैंने बोला, 5 ऑफ वांड्स, क्यों? आप लोग की रिलेशनशिप में पुरानी साइकिल रिपीट होती है, क्योंकि यहाँ पे चेंज लाते लाते भी चेंज नहीं आ पाता, और एंजल्स इस वक्त हमेशा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, 7-7 के माध्यम से, 5-5 नंबर के माध्यम से, जो भी नंबर्स आप दिख रहे हो। कुछ लोग लाइफ में अगर बार बार आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, 6-6, 8-8, तो देखिए बैलेंस अवेंडेंस की ग्रोथ हो रही है, लेकिन विश्वास और कॉन्फिडेंस एंड मन को कंट्रोल करना है। कुछ व्यूअर्स आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ रही है, जहां आपको अच्छा पोजीशन है या अच्छे पोजीशन पे आ सकते हो, किसी की जॉब लग सकती है बहुत जल्द आने वाले टाइम में। अगर आपने कुछ वैकेंसी भरा है कहीं, तो यहां मुझे सक्सेस दिख रहा है, और आपके लाइफ में कुछ व्यूअर्स या आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में भी बैलेंस आ रहा है, अपनी लाइफ में करियर, फाइनेंस एंड बिजनेस में आपकी ग्रोथ हो रही है, या फिर कहीं से आपके लाइफ में कुछ अवेयरनेस ग्रोथ हो रही है, ठीक है, आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइकिल भी है, साइकिल मैंने हमेशा आपको साइकिल की बात बताई है, साइकिल होती क्या है, ठीक है। फीलिंग्स स्ट्रांग है, लेकिन एक दूसरे को अपने अपने लाइफ में बिजी रख रहे हो, तो आपका अपना खुद का सम्मान, इनका खुद का एटीट्यूड, सोसाइटी, समाज, इमेज और पर्सनालिटी, मैं क्यों झुकूंगा, मैंने बहुत कोशिश कर, लेकिन ये बंदा को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है, ये बंदी को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है, और इसके बाद इनके अंदर एटीट्यूड गुस्सा बढ़ रहा है, ठीक है। ये बंदा जो भी है, आपके बंदा या बंदी है, अच्छे पोजिशन पे भी हो सकते हैं, कुछ वर्ष आपके पार्टनर की अच्छे पोजीशन पे भी जॉब हो सकती है, या फिर आपकी भी कुछ अच्छी खासी जॉब मुझे दिख रही है। कुछ व्यूअर्स आपकी फैमिली है, हैप्पी फैमिली है, बट यहाँ पे आपकी एनर्जी ठीक नहीं दिख रही है, या फिर अगर आप अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हो तो इनका दिमाग काम नहीं कर रहा।
तो हर हाल में ये बंदा अपनी एनर्जी को ट्रिगर कर रहा है और इन्हें लग रहा है कि आप इनका दिल तोड़ रहे हो, इनको निचोड़ रहे हो, नींबू की तरह निचोड़ रहे हो। तो भैया मैं ईगो ही में सही हूँ, मेरा ईगो सेटिस्फेक्शन बहुत मस्त है, मैं वहाँ ही ठीक रहता हूँ और मैं बल्ले बल्ले हूँ। लेकिन ये इनका गुस्सा बोल रहा है, इनकी अंतरात्मा नहीं बोल रही, इनका गुस्सा बोल रहा है, अग्रेसिव एनर्जी बोल रही है, इनका एटीट्यूड ईगोइस्टिक नेचर वाले इंसान आपसे ये कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये फाइट करने की एनर्जी में है, ये बैलेंस तो चाह रहे हैं लेकिन जिस तरह का चेंज नहीं आ पा रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इतने सारे भटकाव हैं, तो ये सक्सेस कैसे मिलेगा। तो इनके अंदर चाह है, ठीक है, देखिए इनके अंदर कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, पेन भी है और इनको गुस्सा भी आ रहा है, जिद भी बढ़ रहा है। उनको भी लग रहा है कि आपके परिवर्तन का भी मुझे जानना है कि आप क्या छुपा रहे हो। ये छुपा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप छुपा रहे तो क्या छुपा रहे हो। फाइट करने का दिल कर रहा है आपसे इनको, ठीक है। इन्होंने आपको कितना परेशान किया है, आपको कितना स्टक किया है, आपको कितना प्रेशर दिया है, इन्होंने आपके इमोशंस को क्रस किया है, तोड़ा है, आपको रुला है। ये अपनी एनर्जी को नहीं देखने की उन्होंने आपके साथ क्या किया। देखिए ये बंदा का अचानक से मूड स्विंग्स हो रहा है, बार बार दुखी परेशान है, लेकिन इनकी ईगोइस्टिक एनर्जी जो है परेशान जो हो रही है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा गुस्से में भी है, ईगो में भी है, लेकिन इनका दिल कर रहा है कि वो आपसे फाइट करेंगे। लेकिन मुझे अपने आप पर फोकस करना है, कुछ व्यूअर्स कह रहे हो कि आप खुद कह रहे हो कि मुझे अपने आप पर फोकस करना है, लेकिन कुछ व्यूअर्स आप अपनी हीलिंग नहीं कर रहे हो, स्टक एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हो, चार दीवारी से आप नहीं निकल पा रहे हो और इस वजह से आपको प्रेशर बर्डन महसूस हो रहा है। तो मेरे व्यूअर्स जी, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि अगर आपकी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, ठीक है, आप अपने इंडिपेंडेंट और अच्छी खासी जॉब है, तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आप अपनी फैमिली को लेकर कहीं वेकेशन पे जाएं, ट्रैवल करें, नेचर से कनेक्ट हुए, देखिए आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, ठीक है। आप व्यूअर्स के लिए गाइडेंस है कि थोड़ी टाइम निकाल कर फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ या दोस्तों के साथ, ठीक है, इंडिपेंडेंट भी हो, फैमिली भी है, लेकिन आपको स्टक एनर्जी से निकलना है तो नेचर से कनेक्ट कीजिए, ट्रैवल कीजिए, नेचर में जाइए या वेकेशन पे जाइए, ठीक है। वहां पे जाने के बाद आपकी एनर्जी में, आपके लाइफ में सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आपको इस वक्त जो मैंने कहा है, एक बार अपनी अंतर आत्मा से जुड़िए, जो मैंने गाइडेंस दी है आपको, ठीक है, वो सीक्रेटिव हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी इनर वॉइस की सुननी चाहिए। मैं जो कह रही हूं उस पर फोकस करना है और अपने दिल की आत्मा, अंतर आत्मा से जुड़ना है, फिर आपको सोचना है और डिसीजन लेना है, सही क्या है, गलत क्या है, आपके साथ क्या हो रहा है और मुझे खुद को कैसे चेंज करना है और मुझे कैसे कंप्लीशन आना है। देखिए आपका द एम्परर है, पास्ट लाइफ है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन, लेकिन जो ब्लॉकेज है, जो कर्मा है, वो अपने आप से हील किए जाते हैं, ठीक है, अपने आप से हील किए जाते हैं, लेकिन ब्लॉकेज रहेगा तो आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। इसीलिए मैं प्रॉपर गाइडेंस दे रही हूं कि आपको कैसे 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 प्रोसेस करना है, ठीक है। देखिए मैंने जो गाइडेंस दिया है बाबू, इस गाइडेंस को फॉलो करते हो, लाइफ के ब्लॉकेज आपका है, कर्मा आपका है, पास्ट आपका है, आपने क्या किया नहीं किया ये पास्ट जानता है, आप जानते हो, जो आप सोच रहे हो ये सिर्फ आप हील कर सकते हो, दुनिया का कोई इंसान आपको हील नहीं कर सकता। और ये मैं प्रोसेस क्यों बताती हूँ, ये सब एक माध्यम है, एंजल्स, एंजल्स नंबर, अर्थ मदर, फेरी मदर, यूनिवर्स, डिवाइन मदर, गाया, जो भी स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते, अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, वो इसलिए इतना गाइडेंस दिया जाता है कि आप, ये गाइडेंस का कार्ड क्यों आता है मेरे ही चैनल पर और मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ, ये गाइडेंस क्यों आता है, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहते हैं इस गाइडेंस को फॉलो करें, आप भटके नहीं, ठीक है, भटकोगे तो तरसोगे, परेशान होगे, फिर कुछ नहीं होना जाना, ठीक है, कुछ नहीं होना जाना। इसलिए कुछ वर्ष आप इस वक्त अपनी फैमिली पे फोकस कीजिए, अगर आपके बच्चे हैं उस पर फोकस कीजिए, कुछ वर्ष आप अपने काम पर फोकस कीजिए, इनर वॉइस की सुनिए, जहां आप खुद से फाइट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको भी खुद में कंप्लीशन चाहिए, तो इसके लिए आपको सक्सेस चाहिए। माइंड डिस्टर्ब है आपका, तो देखिए कि कार्ड भी है चेंज, ये कार्ड मैं नहीं लूंगी, ये कार्ड जरूर लूंगी, ये चेंज मांग रहा है। मैंने क्या बोला, 5 नंबर एंड 10 नंबर, आप लोग के एनर्जी, रिलेशनशिप या आपके लाइफ में एक चेंज मांग रहा है। अगर जो मैं गाइडेंस दे रही हूँ उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए और लाइफ में चेंजेस लेकर आइए। पहली बात, आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, पार्टनर आपको धोखा दे रहे, इग्नोर करें, या इनको धोखा वर्क प्लेस पे मिल रहा है,
किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये डिस्टर्ब है, परेशान है क्योंकि आपसे मिलना चाहते हैं, आप झुकना नहीं चाह रहे हो क्योंकि आपके साथ उन्होंने बहुत गलत किया है, अब आपको जस्टिस न्याय चाहिए क्योंकि उनके साथ आगे बढ़ना है, तो वो नहीं दे रहे, तो आपने अपने आप को हील करना है। एक हद तक सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आप अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, इस वक्त की जो एनर्जी है, इस वक्त आपको प्रॉपर चेंज लाने की जरूरत है, अपने आप में डिसीजन लेने की जरूरत है, खुद को हील करने के लिए वेकेशन पे जाएं, फैमिली का सपोर्ट लें, दोस्तों का सपोर्ट लें, ठीक है, खुद अगर खुद जा सकते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप ट्रैवल करो, आप फैमिली के साथ वेकेशन पे जाओ, चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स जी आपके लिए, क्योंकि देख लीजिए सारा कार्ड्स आप लोगों को गाइडेंस के थ्रू ही मिल रहा है। देखिए यहाँ पे है 3 नंबर होता है स्टैंडर्ड मास्टर, 333 स्टैंडर्ड मास्टर, अगर आपकी कोई विश है वो पूरी कर सकते हो, गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे इनर वॉइस, आप अपनी इनर वॉइस की सुने, कंप्लीशन चाहते हैं, माइंड डिस्टर्ब है तो कंट्रोल कीजिए और लाइफ में चेंज लाने की कोशिश कीजिए। ये बंदा बहुत अग्रेसिव एनर्जी में, ये आपसे फाइट करना चाह रहा है या चाह रही है, ठीक है, क्योंकि आप अपने लाइफ में कोशिश कर रहे हो चेंजेस लाने का, तो ये चीज इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर आप खुद को बदल रहे हो, थोड़े देर के लिए आप सेल्फिश हो चुके हो, खुद को बदल रहे हो, अपनी फैमिली पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, ये बंदे को बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। ये खुद तो परेशान हो रहा है, आपको भी परेशान कर रहा है, या मेल हो फीमेल हो, आप कोशिश किए हो, मैं ये नहीं कहूंगी, ये एनर्जी कहती है कि प्यार तो भले ही एटीट्यूड हो, पर आपने तो प्यार ट्रू दिया है, लेकिन आपने हर कोशिश की है, ये कोशिश दी है कि रिलेशनशिप में कंप्लीशन हो, चेंज हो, आप दोनों एक हो, ये आपने कोशिश की है, लेकिन शायद आप भी कितना हद तक कंट्रोल करोगे। तो जीवन में कुछ करने के लिए, लाइफ में चेंज लाने के लिए, पीस और शांति के लिए, खुशी के लिए, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, ट्रैवल कीजिए, नेचर में जाइए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, आज योगा दिवस तो आपको योगा एक्सरसाइज करना चाहिए, ये प्रॉपर हीलिंग के जो साधन होते हैं ना, यही है मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, ट्रैवल, नेचर में जाना, ठीक है, ग्रैटिट्यूड करना। एंजल्स क्या कहते हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट क्यों करते हैं, कि वो आपको सपोर्ट करें और लाइफ में आप आगे बढ़े, सिर्फ एंजल्स ये चाहते हैं। 10 नंबर है, ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर बहुत स्ट्रांगली आ रही है, 3-3 भी है, तो ये बंदा का जो है आपसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन कभी कभी मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं ईगो की वजह से, और इनका दिल भी टूटा है और आपने इनका दिल तोड़ा है, ये नहीं सोचे कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, इन्होंने ये नहीं देखा आपसे उन्होंने मुंह मोड़ा है, बस इनका दिल कर रहा है कि मैं बस तुमसे गुस्सा करूं, फाइट करूं, क्योंकि वो प्यार नहीं मिल रहा, वो कंप्लीशन नहीं मिला, ठीक है। तो ये बंदा आपसे मिलना चाहता है, चेंज लाना चाहता है, क्योंकि ये बंदा बहुत डिस्टर्ब है, बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, और ये हो सकता है ये मन ही मन में आपको ब्लेम कर रहा है, क्योंकि आप प्यार दे नहीं रहे हो, ये बंदा आपको ही ब्लेम कर रहा है, चाहे आपकी फैमिली हो या फैमिली प्लानिंग हो या आपने सपना देखा, इन्होंने सपना को आपका तोड़ा है, अब आप खुद को बदल रहे हो, तो ये बंदे को लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, ये चीज उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, और मन अग्रेसिव है, लग रहा है जैसे ये फाइट करे आपसे, आप उन पर फोकस नहीं हो, आप अपने लाइफ पे फोकस हो, क्या योजना बना रहे हो भाई। ये बंदा तो सच में जिस तरह की एनर्जी है, आपसे बात हो तो 100% यहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरह एनर्जी है ये आपसे फाइट करेगा या करेगी। प्रेशर बर्डन को कम करना चाहे, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है, सक्सेस आने वाला है, आप चाहो तो सक्सेस आ सकता है, क्योंकि चेंज बहुत जरूरी है, गाइडेंस को फॉलो करना है, इनर वॉइस की सुननी है, ठीक है, गाइडेंस को फॉलो करना है, कंप्लीशन चाहिए तो पहले खुद को हील करना है, खुद को हील करने के लिए, पास्ट लाइफ को हील करने के लिए आप अपने आप को बदलिए, आज से योगा शुरू कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, अच्छे अच्छे हीलिंग म्यूजिक आती वो सुनिए, गाना सुनिए, थोड़ा सा रूट चक्रा में किसी तरह का पेन है तो आप डांस कीजिए, थोड़ा थ्रोट चक्रा आपका ब्लॉक है, हार्ट चक्रा ब्लॉक तो सिंगिंग कीजिए, ये बाबू यही प्रोसेस है हीलिंग का, और कोई नहीं हीलिंग कर सकता, नहीं तो आप हीलिंग बॉल लाइए। देखिए मैं बताती हूँ हीलिंग बॉल क्या है, देखिए आप ऐसा हीलिंग बॉल मंगाओ, आप लोग गाइड करियो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होना जाना दोस्त, मैं क्या बोलूं, साक्षी इसका
जी किसी का नाम मैं लेना चाह रही थी, अभी आज प्रॉपर वो बहुत अच्छे हैं, इधर उधर से खूब भटके, कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ 2 साल से जुड़ी रही, कॉन्फिडेंस बढ़ा, ऑफिस में उन्होंने वर्क भी किया और आज सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं, एकदम परफेक्ट हो गई हैं। खुद से मैंने उनको गाइड कर करके 2 साल में उनको इस लायक बनाया। वो काम भी कर रही हैं, ऑफिस भी जा रही हैं, उनके लिए हमेशा हमसे कनेक्ट करती थी वीकली में 2-3 बार, ठीक है। और उसके बाद आज देखिए बहुत अच्छी है, पेंडास है, काफी उन्होंने हीलिंग करवाई। क्या हुआ? तो यहां पे उनके अंदर कॉन्फिडेंस जागा, उन्होंने सब कुछ समझा, उनकी भी हेल्थ इश्यू हुई, बहुत कुछ हुई, आज वो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, जो भी अगर आपको लगता है तो ऐसा बॉल मंगा सकते हो, हीलिंग बॉल, और इसको खुद से ये क्या हुआ, आप 2 बार करो, ठीक है, ये 2 बार करो, हीलिंग बॉल मंगाओ, कुछ नहीं कंप्लीशन जुड़ेगा, मेडिटेशन करो, एक टाइम इस पर फोकस करो, 2 टाइम इस पर फोकस करो, ओम चैंटिंग जरूर करो, ठीक है। अगर आप ओम चैंटिंग नहीं करते, आप जो भी रिलीजन के हो मैं नहीं जानती, बट हम लोग ओम चैंटिंग से सबसे पावरफुल एनर्जी है, ओम चैंटिंग और हीलिंग बॉल से ये करा लीजिए, खुद से कीजिए, खुद से कीजिए, इससे बड़ा हीलिंग कहीं नहीं होगा। और अर्थ मदर, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, पेड़ पौधे बोइए, ठीक है, ये अपने आप को हील करने के लिए उससे जुड़ाव करेंगे बाबू, तब लाइफ में आपकी फैमिली में खुशी आएगी। धीरे धीरे होता है, एक टाइम नहीं होगा, अचानक कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, अचानक नहीं होता, क्योंकि पास्ट ब्लॉकेज होगा तो धीरे धीरे हील होगी, सक्सेस मिलेगा, चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, लाइफ में हो, जो आपने चाहा था, या किसी तरह के काम में आपका रुकावट आ रहा, अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे आपको सक्सेस ऐसे ही मिलना है, डाउन टू अर्थ, कोई आपको हिल नहीं कर सकता, मैंने सारा प्रोसेस आपको बताया है। अपने लाइफ को चेंज कीजिए, तो ये एक माध्यम है अपने आप को हिल करने का, इसमें वाटर भी भर सकते हो, वाटर भी डालकर आप ऐसे करके हीलिंग कर सकते हो, इसमें वाटर भी डाल सकते हो, वाटर ऐसे करोगे ना तो यहाँ पे ध्वनि सा जो वाटर ऊपर आएगा नीचे आएगा, ये भी आप कर सकते हो। ये मैं आप लोगों को गाइड इसलिए कर रही हूँ कि अपनी हीलिंग आप खुद करें, कोई आपको हील नहीं करेगा, जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे भैया, आप लोग देख लीजिए, मैंने प्रॉपर गाइडेंस दे दी, अब आप जानो, इसमें एंजल्स के माध्यम से बता दिया, एनर्जी चेक बता दिया, कार्ड्स कैसे देखते वो मैंने बता दिया, खुद की हीलिंग कैसे करते हैं, इधर उधर मत भटकिए, आपके मेडिटेशन से अर्थ मदर धरती माँ को खुशी मिलती है और वो सारी खुशियाँ आपको देती हैं, इसलिए प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करती हैं। एंजल्स नंबर, यूनिवर्स, डिवाइन, अर्थ मदर, हर कनेक्ट एंजल से कनेक्ट कीजिए, ये हीलिंग है, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में उठिए, मेडिटेशन के कुछ मेडिटेशन ना कीजिए, वॉक कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए, ये अगर आपको लगता है ये बॉल मंगा लीजिए, इसकी भी दो बार कम से कम घर में भी बजा सकते हो, पूरे घर में भी घुमा सकते हो, निगेटिविटी जाएगी, और पानी डालकर भी आप कर सकते हो, हीलिंग ऐसे होती है बाबू, ठीक है। इधर उधर मत भटकिए, मैं बार बार कर रही हूँ, इधर उधर मत भटकिए, बस मेरी यही विनती है, मैं ये चाहती हूँ कि आप जहाँ हो जैसे खुद से अंदर से बदलाव लाइए, ये खुद के अंदर का चेंज है और ये चेंज आएगा, एकाएक नहीं आएगा, बट स्लोली स्लोली जरूर आएगा, ये प्रोसेस होता है पास्ट को रिलीज करने का, कोई आपका ब्लॉकेज नहीं हील करेगा, जो जन्म देते हैं वो भी नहीं करेगा, ये खुद करेगा, अपनी एनर्जी खुद करेगा, आप खुद करोगे, ठीक है। वो ईगो में है थोड़ा, मैं कह सकती हूँ, बट ये पर्सन से इस वक्त आपको बचना है, बातचीत होती है, अवेयर रहना है, ये आने की कोशिश करें, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, ये अभी प्रेशर में, मूड स्विंग्स है, ये कुछ भी बोल सकते हैं, बहस करते फाइट कर सकते हैं, क्योंकि सच पूछे तो आप उन्हें वो प्यार नहीं दे रहे हो, ये चीज उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। और ये गाइडेंस कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि मैं अलग से मैं गाइडेंस नहीं बना पा रही हूँ, मैं थोड़ा इस वक्त बिजी चल रही हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बना कर डाल देती हूँ, ठीक है। लेकिन ये वीडियो और गाइडेंस कैसी लगी तो बाबू कमेंट में लिखिएगा, ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा और इस चैनल पर जुड़े रहिएगा, ताकि आप अपने लाइफ को चेंज कीजिएगा।
ठीक है, भटकिएगा नहीं, सारे कार्ड्स आपके सामने हैं कि कैसे प्रोसेस होता है। आपके पार्टनर की इस वक्त मूड स्विंग्स हो रही है क्योंकि आप बदल रहे हो, चाहत पूरी नहीं हो रही है, वो क्लियरिटी भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या करना है, मुझे खुद को बदलना है। ठीक है, तो ये है आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की, आपकी एंड गाइडेंस के साथ। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है, प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा जिनको जिनकी मदद हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।